में भाजपा सत्तारूढ़ दल वहां की सरकारी मशीनरी से मिलकर के चुनाव की मतगणना में धांधली करने की कोशिश में है और उन्होंने मतगणना रोक दी है, मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया है, समाजवादी पार्टी आगे चल रही है दोनों लोकसभा क्षेत्रों में फूलपुर और गोरखपुर में, लेकिन सत्तारूढ़ दल सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। श्री अखिलेश यादव जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग के संपर्क में हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, जनता के साथ धोखा नहीं होने देंगे। भाजपा सरकार ने एक साल से जनता को धोखा दिया है, जनता के हित में कोई काम नहीं किया है, केंद्र की सरकार ने 4 साल में कोई काम नहीं किया है, जनता उत्तर प्रदेश की उब चुकी है, आक्रोशित है। इस जो लोकसभा के दोनों उपचुनाव हैं इनमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं।